ऐसे एक भोले से साधारण से भक्त की कथा है माँ भगवती के कृपा पात्र भक्त की कथा आती है। देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण, उसके कोई संतान नहीं थी। तमाम ब्राह्मणों को बुलाकर, श्रेष्ठों को बुलाकर के पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण आए, ऋषि आए, महर्षि आए, पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हो गया। और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, तो वहां एक गोमिल ऋषि थे जो वेद का उच्चारण कर रहे थे, और उस वेद का गान करते हुए, उच्चारण करते हुए उनका जो स्वर था वो थोड़ा सा हिल रहा था, इधर उधर हो रहा था, क्योंकि थोड़ा सा बुजुर्ग भी थे और श्वास चलते हुए थोड़ा सुर इधर उधर हो रहा था। तो इस देवदत्त ब्राह्मण ने गोमिल ऋषि को कहा कि तुमने मेरे पुत्रेष्टि यज्ञ में स्वर भंग किया है, तुम मूर्ख हो, इतना ज्ञान नहीं है कि स्वर भंग नहीं होना चाहिए। यदि वेद पाठ कर रहे हो तो सस्वर करो, एक साथ करो, मिलकर करो, इधर उधर क्यों हो रहे हो, ये स्वर हिल रहा है। इसलिए तेज आवाज में, कठोर शब्दों में जब ऋषि को मूर्ख कहा तो उन्होंने भी श्राप दे दिया कि मुझे मूर्ख कहते हो, एक तो मेरी अवस्था है, दूसरा श्वास प्रश्वास करते हुए थोड़ा बहुत स्वर इधर उधर हो भी गया तो क्या हुआ, तुम अपने आप को विद्वान समझते हो, ये तुम पुत्रेष्टि यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए करा रहे हो, मैं श्राप देता हूँ कि जो पुत्र होगा तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में, जो तुम्हारा पुत्र होगा वो मूर्ख होगा, मुझे मूर्ख कहते हो, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होगा, अज्ञानी होगा, गूंगा होगा। ब्राह्मण ने ऋषि के चरण पकड़ लिए, गलती हो गई, माफ करना, क्षमा करो हे गुरुजन, एक तो मैं ब्राह्मण और ब्राह्मण के परिवार में ब्राह्मण का बेटा ही यदि मूर्ख हो तो ऐसे पुत्र से तो ना हो तो ही अच्छा है। कृपा करो, चरण पकड़ लिए। संतों का क्रोध भी पानी पर बनाई हुई लकीर के जैसा होता है, तुरंत समाप्त भी हो जाता है। इन्होंने कहा कि जो शब्द निकल गए वो तो वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन फिर भी वो बालक मूर्ख तो होगा पर समय के अनुसार वो बहुत बड़ा विद्वान भी बनेगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद। समय बीता, बालक का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया उत्तथ्य। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा, यज्ञोपवीत इत्यादि जब संस्कार हो गए और वेदारंभ शुरू करवा दिया और वेद पाठ, वेदों का अध्ययन, आचार्यों को बुला करके जब वेद पाठ शुरू हुआ, वेद अध्ययन शुरू हुआ, वेदों शास्त्रों के अनुसरण में जब ये बालक गया और लगातार निरंतर आचार्यों का प्रयास रहा, उसके बाद भी ये बालक कुछ भी न सीख पाया, कुछ भी न बोल पाया, तब पिता दुखी हुए, देवदत्त दुखी हो गए, ऐसे मूर्ख पुत्र से लंगड़ा हो जाता, अंधा हो जाता, बहरा हो जाता, पर मूर्ख, ऐसे मूर्ख पुत्र से तो मेरी संतान ठीक था। बड़े कटु शब्द जब पिता के मुख से सुने तो ये बालक खुद में ही उदास हो गया। ईश्वर ने मुझे बुद्धि नहीं दी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जो दिया है उसके अनुसरण ही जीवन जीऊंगा। आज इसको भी दुख हुआ और घर छोड़ करके ये जंगल की ओर चला गया, और जंगल में ही एक कुटिया डाल करके निरंतर ये लगभग 14 वर्षों तक रहा। पर इसने अपने मन में एक बात धारण कर ली कि मैं जो थोड़ा बहुत मेरी वाणी से जो कुछ निकलता है, मैं जब भी निकालूंगा, जो भी बोलूंगा, सदैव सत्य बोलूंगा, कभी असत्य भाषण नहीं करूंगा, सत्य मिथ्या भाषण नहीं करूंगा।
जब भी कुछ बोलूंगा सत्य बोलूंगा, कभी असत्य नहीं कहूंगा। जब ये संकल्प ले लिया, व्रत ले लिया, तो दूर दूर तक लोग इनको सत्य व्रत के नाम से पुकारने लगे और जानने लगे। सत्य का व्रत धारण किया, इसलिए अब ये उतत्य नहीं रहे, अब ये सत्य व्रत बन गए। लोगों ने कहा ये बड़े सत्यवादी महात्मा हैं, बहुत कम बोलते हैं। ज्यादा बोलने वालों की प्रशंसा नहीं होती, कम बोलने वालों की प्रशंसा होती। बहुत कम बोलते हैं, पर जब भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं, असत्य कभी नहीं बोलते। ये चर्चा दूर दूर तक फैल गई, कई वर्षों तक निरंतर बिना ज्ञान के, बिना विवेक के, अज्ञानी का सा जीवन एक स्थान पर ये सत्यव्रत जी रहे हैं। माँ से प्रार्थना करते हैं, मानो एक समय ऐसा आया कि इनके जीवन का परिवर्तन का समय था। एक समय ऐसा था इनके जीवन का परिवर्तन था, 14 वर्ष लगभग हो चुके थे, कोई ज्ञान नहीं, कोई विवेक नहीं, बस सामान्य जीवन जी रहे थे। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी शास्त्रों से विमुख थे, पर अचानक ऐसा इनके जीवन में परिवर्तन आया कि एक शिकारी ने जंगल में शिकार करते हुए, क्योंकि इनकी कुटिया जंगल में ही थी, ये जंगल में ही रहते थे, तो जंगल में शिकारी शिकार करने आया और शिकारी ने एक सुअर में एक वाण मार दिया और वो वाण लगा हुआ सुअर तड़पता हुआ इनके कुटिया के आसपास होकर पीछे की ओर झाड़ियों में चला गया। लेकिन उसकी पीड़ा को सत्यव्रत ने महसूस कर लिया, वाण लगा है, खून बह रहा है, व्याकुल सा शरीर, व्याकुल सा तन, व्याकुल सा मन। सत्यव्रत भी आज दुखी हो गए, इस जीव की पीड़ा को देखकर दुखी हुए और उनके मुख से अचानक ए का शब्द निकला, माने ऐसे ही ए शब्द बोल दिया। वो जब आया तो वो एकदम स्वयं भी दुखी हो गए उसकी पीड़ा से, और जो उनके मुख से, वाणी से, जिव्या से शब्द निकला, वो ए दो बार शब्द निकला। और ये शब्द माँ भगवती का बीज मंत्र है, तो माँ भगवती का मंत्र अनजाने में ही सही इस सत्यव्रत ने बोल दिया और माँ भगवती प्रसन्न हुई और विवेक, बुद्धि, ज्ञान सब इनको प्राप्त हुआ। जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान, जो श्रेष्ठ समझते हैं, वो कुछ भी नहीं है वास्तविक में। लेकिन जो अपने आप को सामान्य समझते हैं, जो अपने आप को बालक समझते हैं, जो अपने आप को छोटा समझते हुए अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और सदकर्म करते हुए जीवन जीते हैं, माँ भगवती की कृपा उन पर सदैव होती है। मानो अब ये प्रार्थना शुरू कर रहे हैं, बता दो हे जगत जननी। हम भी माँ भगवती से ये कहें कि हमारे पास जितनी भी बुद्धि है, उस बुद्धि से हम विनाशकारी न बने, हम कल्याणकारी बन जाएं, ऐसी मेरी बुद्धि को बना देंगे। क्योंकि आज जितना भी उत्पात है, जितना भी विनाश है, वो सब बुद्धिमानों के ही कारण है, सब पढ़े लिखों के ही कारण है। इसलिए जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, वो सही रास्ते की ओर ले जाने वाली हो, गलत रास्ते की ओर ना ले जाए। इस सत्यव्रत ने जब ए का शब्द निकाला, ये माँ भगवती का बीज मंत्र है, माँ भगवती प्रसन्न हुई, माँ भगवती ने विवेक और बुद्धि का प्रकाश दिया, ज्ञान का प्रकाश दिया। और हुआ ये कि ये जो जीव, ये जो सुअर जो है, बाण से विदा हुआ, इनकी कुटिया से होकर के पीछे झाड़ियों की तरफ निकला था, उसी को ढूंढता ढूंढता शिकारी जो जिसने तीर मारा था वो भी वहां आ गया और हाथ जोड़कर कहता है, हे विप्रवर, हे संतवर, आपने यहां से जाते हुए सुअर को देखा है जिसमें मेरा बाण लगा था,
और आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सदैव सत्य बोलते हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते। आपकी चर्चा दूर दूर तक मैंने सुनी है कि आप सत्य व्रत हैं और सत्य ही बोलते हैं, सत्य बोलने का व्रत लिया है, कभी झूठ नहीं बोलते। तो आप झूठ नहीं बोलेंगे? आपने मेरे शिकार को देखा है क्या? अब इस समय में क्या करे सत्यव्रत? यदि ये कहते हैं कि मैंने उस शिकार को यहां से जाते हुए देखा है तो जीव हत्या का पाप लगेगा, और यदि ये कहते हैं कि मैंने नहीं देखा है तो झूठ बोलने का पाप लगेगा और मेरा व्रत टूट जाएगा। क्या करें ऐसे समय में? क्या करें? झूठ भी नहीं बोल सकते, सत्य भी नहीं बोल सकते। माँ भगवती की कुछ ऐसी कृपा हुई कि एकाएक उनके हृदय से एक श्लोक निकल पड़ा, कुछ शब्द निकल पड़े और कुछ ऐसे ज्ञान का प्रकाश उनके भीतर से हुआ कि उन्होंने शिकारी को स्पष्ट कहा, तुम मुझसे पूछते हो, तुमने जाते हुए देखा क्या? तो मैं तुमसे कहता हूं शिकारी, सत्यव्रत कहते हैं, कितना सुंदर फॉर्मूला है, देख लो। हे शिकारी, जिन आंखों ने देखा है वो आंख बोल नहीं सकती, और जो जुबान बोल सकती है उसने देखा नहीं। जिन आंखों ने, तुमने कहा कि देखा है क्या? जिन आंखों ने देखा वो आंखें बोलना नहीं जानती, और जो बोलना जानती है वो देखना नहीं जानती है, इसलिए मुझसे क्यों पूछते हो? अपना काम स्वयं कर, न झूठ बोला उसका जो शिकार था, उसको वो ढूंढता रह गया, न मिला तो वापस चला गया, एक जीव की रक्षा भी कर ली। एक जीव की रक्षा भी हो गई और व्रत भी बना रहा। पर आप चिंतन करो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा विचारो। सत्य व्रत का व्रत इसलिए संकल्पित रहा, मजबूत रहा कि उन्होंने उस जीव के कष्ट को देख करके, बाण से विधे हुए सुअर को देख करके भीतर से वो द्रवित हो गए, उनका हृदय पिघल गया, उनको पीड़ा होने लगी। कोई रिश्ता तो नहीं था उसके साथ, लेकिन संत का हृदय सबके लिए एक जैसा है। ऐसा नहीं था कि कोई पालतू जीव हो, पर संत का हृदय सबके लिए एक जैसा होता है। उस पीड़ा को देखकर वो भी पीड़ित हुए, दुखी हुए, पर मुझे आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य होता है कि आप लोग थोड़े से जीव के स्वाद के चक्कर में बकरे की बलि चढ़ा देते हो, उस जीव के कष्ट को महसूस नहीं करते, केवल और केवल परंपराओं के नाम पर माता रानी को भी इसमें समेट लेते हो, घसीट लेते हो कि माँ भगवती प्रसन्न हो रही हैं। क्या माँ भगवती ने आकर तुम्हें कहा कि मैं प्रसन्न हो गई हूं, मुझे खून चाहिए, बकरे की बलि चाहिए? और सत्य तो ये है कि कहीं भी शास्त्र में लिखा नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा कि ऐसी कोई बलि देनी चाहिए। और यदि ऐसा करते हैं तो आप अधर्म करते हैं, आप पाप करते हैं, और उस पाप का परिणाम भी कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपको भुगतना ही पड़ेगा। कोई माँ कैसे अपने ही बच्चों का खून पी सकती है? इतनी माताएं यहां बैठी हैं, कोई भी माँ अपने बच्चे का खून पी सकती है? जितनी भी माँ यहां बैठी है, तो
तो माँ भगवती के लिए केवल हम ही उसकी संतान नहीं है, इस धरती पर एक एक जीव उसी माँ भगवती का है और उसकी संतान है। चाहे जीव है, जंतु है, जो भी मनुष्य योनि में है या पशु योनि में है, जो भी जीव जंतु मनुष्य इत्यादि जिस धरती पर है, सब माँ भगवती की ही कृपा से है और सब माँ भगवती की संतान है। तो एक माँ अपने एक बेटे का खून पी सकती है? आप कितना बड़ा अनजाने में ही सही कितना बड़ा पाप कर रहे हो। सत्य व्रत ने एक व्रत जीवन में धारण किया कि मैं सत्य बोलूंगा, और यथार्थ यदि कथा सुन रहे हो आप तो अपने जीवन में भी एक व्रत यहाँ से धारण कर ही जाना कि मैं हम कम से कम इस क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने घर में कभी भी इस कम से कम बलि प्रथा को तो बंद करेंगे, बकरे की बलि नहीं देंगे या ऐसा कोई अशुभ कार्य नहीं करेंगे।